प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज जी का छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी तीर्थ पर निधन हो गया। वे जैन समुदाय के सबसे प्रसिद्ध संत थे। आचार्य विद्यासागर को उनके उत्कृष्ट विद्वता और गहन आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जाना जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनका निधन पर शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के निधन को राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति बताते हुए समाज में आध्यात्मिक गुरु के योगदान के गहरे प्रभाव को भी सराहना की है। आचार्य ज्ञान सागर के शिष्य आचार्य विद्यासागर ने 77 साल की उम्र में 3 दिनों के उपवास के बाद अपना देह त्याग किया है। उनके शरीर त्यागने का पता चलते ही उनके आखिरी दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पिछले साल 5 नवंबर को ही पीएम मोदी ने उनके पास पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया था। विद्यासागर महाराज जी प्राण त्याग करने के लिए संलेखना प्रथा का पालन किया। बता दें कि जैन धर्म में यह प्रथा लंबे समय से चलती आ रही है। जब किसी संत को इस बात का भान हो जाता है कि उनका अंतिम समय आने वाला है तो मौत से पहले ही वह अपने शरीर के प्रति सारे मोह माया को त्याग कर देते हैं। वे अन्न जल का त्याग करके समाधि लगा देते हैं। इसी अवस्था में उनके प्राण छूट जाते हैं। धार्मिक जानकारों के मुताबिक संत और लेखना से मिलकर संलेखना शब्द बना है। इसका मतलब होता है जीवन के कर्मों को सही लेखा जोखा। जब किसी जैन संत को लगता है कि उनके बुढ़ापे या बीमारी का कोई समाधान नहीं है तो वह खुद ही प्राण त्याग करने के लिए इस प्रथा का उपयोग करते हैं। इसे साधु मरण भी कहा जाता है। आचार्य श्री विद्यासागर ने प्राण त्याग करने से पहले आचार्य पद का भी त्याग कर दिया था और अपने शिष्य निरापक श्रमण महाराज को उत्तराधिकारी बना दिया। इस प्रथा को संथारा भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस पद्धति से व्यक्ति अपने कर्मों के बंधन को कम कर देता है, जिससे वह मोक्ष प्राप्ति कर सकता है। यह अपने जीवन के अच्छे बुरे कर्मों के बारे में सोचना, विचार करना, ईश्वर से क्षमा याचना करने का भी एक तरीका है। इसीलिए गुरु से अनुमति लेना होता है। अगर गुरु नहीं जीवित है तो संकेतित रूप से उनसे अनुमति ली जाती है। यह शांति चित्त होकर मृत के सच को स्वीकार करने की प्रक्रिया है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।